सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन नोड्स ऑफ अ बाइनरी ट्री प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूँगा। तो अच्छी प्रॉब्लम है, लाइक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमें दिया क्या है कि हमें दो नोड्स दे रखे हैं, बेसिकली दो इंटीजर्स दे रखे हैं, और हमें उस ट्री में उन दोनों इंटीजर्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल के रूप से समझेंगे और फिर हम वीडियो में इस प्रॉब्लम का अप्रोच डेवलप करेंगे और फिर हम उसे कोट करेंगे, ठीक है। तो जैसे इस में अगर मान लीजिए कि आपको 4 और 5 दे रखा है, यहाँ पे बोला है कि 4 और 5 के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो काफ़ी आराम से बता सकते हैं। देखो, 1 डिस्टेंस प्लस 2, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 यूनिट्स। अगर आपको दे रखा है सपोज 8 और 5, तो ये है हमारा 8 और ये है 5, तो इनके बीच में क्या डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5, ओके। तो इसके बीच में हमारा डिस्टेंस 5 है। तो इसी तरह मेरे को क्वेश्चन में दो नोट दे रखे होंगे। तो इसको करने का तरीका क्या है, इसको हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले जो भी हमें नोट्स दे रखे हैं, तो सपोज मान लीजिए आपको 8 और 5 दे रखा है, तो हम इन दोनों नोट्स का एंसेस्टर, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो इनका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा 1, क्योंकि देखिए 5 का एंसेस्टर है 2 एंड 1, और 8 का एंसेस्टर है 6 3 1, तो इनका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या है, 1 हुआ। सपोज अगर आपको दो नोट्स दिए रहते 3 और 8, तो इस केस में हम इनका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होता 3, ठीक है। तो मैंने ये लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर प्रॉब्लम, एक अलग से प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो आप इस चैनल को जाके, चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं उसे। मैंने उसे यहाँ वहाँ पे काफ़ी डिटेल में समझाया। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं उस नॉलेज का यूज़ करूँगा कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज़ अगर मेरे पास लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर मिल जाता है, तो जैसे मान लीजिए 5 और 8 का केस है, तो इस केस में लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर 1 आया। अब लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर आने के बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर से दोनों नोड्स का हाइट पता कर लूँगा। सो सपोज़ अगर यहाँ से 1 से लेके 5 तक हाइट है 2, ठीक है, 2 है डिस्टेंस, बेसिकली हाइट बोले या डिस्टेंस, और 1 से लेके 5 8 तक है डिस्टेंस, 1 2 3 3 डिस्टेंस है। तो टोटल इन दोनों को बेसिकली मैं ऐड कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा। तो चलिए हम इसे कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मुझे लॉन्गेस्ट लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, और चलिए मैं नोड स्टार एंसेस्टर एंसेस्टर बना देता हूँ, जिसको फाइंड आउट करने के लिए मैं LCA नाम का एक फंक्शन बनाऊँगा। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, मैं फुल स्क्रीन चला जाता हूँ, ठीक है। सो LCA रूट रूट कॉमा ए कॉमा बी, ठीक है। अब मैं LCA फंक्शन बनाता हूँ, ओके, एल नोड स्टार LCA नोड स्टार स्टार रूट इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें, इसी वीडियो में आपको लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर भी एल्गोरिदम एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ के साथ। तो इफ़ रूट इज इक्वल टू नल, ठीक है, अगर कोई रूट नल है तो इस केस में मैं रिटर्न करूँगा नल, ठीक है। लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर में बेसिकली होता ये है कि अगर आपको पहले ए मिल गया या बी मिल गया, जो भी आपको दोनों नोट्स में से जो भी आपको पहले मिलेगा, उसी उसी एट दैट मोमेंट हम उस नोट को रिटर्न कर देंगे। तो सपोज अगर रूट डेटा इज इक्वल टू ए है, या फिर रूट डेटा इज इक्वल टू बी है, तो इस केस में मैं रिटर्न करूँगा, आई विल रिटर्न रूट, ठीक है। और फिर मैं, अगर मुझे वो रूट ए या बी नहीं मिलता है, तो मैं फर्दर एक्सप्लोर करूँगा। तो फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए नोड स्टार मैं एक बना लेता हूँ लेफ्ट LCA, ठीक है। तो लेफ्ट LCA इज इक्वल टू LCA रूट लेफ्ट कॉमा ए कॉमा बी, ठीक है। और फिर इसी तरह मैं राइट सब ट्री एक्सप्लोर करूँगा, तो नोड स्टार राइट LCA इज इक्वल टू LCA रूट
राइट कॉमा ए कॉमा बी, ठीक है। तो इसमें लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर में होता क्या है कि इफ एल एल सी ए इज नॉट इक्वल टू नल एंड एंड आर एल सी ए इज नॉट इक्वल टू नल, अगर दोनों ही नल नहीं है इसका मतलब मेरा कॉमन एंसेस्टर करंट रूट है, तो ऐसे केस में मैं रिटर्न रूट कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ सिर्फ एल एल सी ए इज नॉट इक्वल टू नल, तो इस केस में मैं रिटर्न रिटर्न एल एल सी ए करूँगा। एंड एल्स इफ आर एल सी ए इज नॉट इक्वल टू नल, तो ऐसे केस में मैं रिटर्न करूँगा रिटर्न आर एल सी ए, ठीक है। और अगर इन केस दोनों ही नल है, लेफ्ट एल सी ए भी नल है और राइट एल सी ए भी नल है, तो इस केस में मैं सिंपली रिटर्न करूँगा नल। तो इस तरह से मेरे पास मेरा एंसेस्टर नोड आ जाएगा। अब इसकी मदद से मुझे बेसिकली हाइट फाइंड आउट करना है, तो हाइट के लिए मैं एक इंट एच वन बना देता हूँ। इंट एच वन इज इक्वल टू एच आई जी एच टी एंसेस्टर कॉमा ए, और इंट एच टू इज इक्वल टू एच ई आई जी एच टी एच ई आई जी एच टी एंसेस्टर बी, और इन दोनों का जो सम होगा वो मुझे रिटर्न करना है, रिटर्न एच वन प्लस एच टू। तो चलो अब हाइट फंक्शन बना लेते हैं। तो हाइट फंक्शन बनाना काफ़ी सिंपल है, तो इंट एच ई आई जी एच टी हाइट एंसेस, ओके मैं इसको नोड स्टार रूट मान लेता हूँ एंसेस्टर को, क्योंकि रूट लिखने की आदत है, और इंट ए मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ किसी भी नोड को, ठीक है, इंट एक्स। तो इफ इफ द रूट इज नल, इफ रूट इज इक्वल टू नल, तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, ऐसे केस में मैं इन्फिनिटी रिटर्न कर दूंगा, इन्फिनिटी नहीं रिटर्न करूँगा, वन ई नाइन रिटर्न करूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इंट मैक्स रिटर्न करता तो आगे मैं उसमें वन ऐड करूँगा तो लाइक मेरा ओवरफ्लो हो जाता इंटीजर। सो इफ, और अगर इफ रूट डेटा इज इक्वल टू एक्स, मतलब वो नोड जिसकी मुझे तलाश थी मुझे वो मिल गया है, तो ऐसे केस में मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न ज़ीरो। और हाइट पता करने के लिए क्या करना है, रिटर्न वन प्लस मिन ऑफ एच ई आई जी एच टी एच ई आई जी एच टी रूट लेफ्ट कॉमा एक्स कॉमा एच ई आई जी एच टी रूट राइट कॉमा एक्स, तो इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा वो मेरा हाइट बन जाएगा। तो चलो कंपाइल करके देखते हैं। ओके सेगमेंटेशन एरर, कुछ गड़बड़ है, देख लेते हैं। ओके इफ रूट इज इक्वल टू नल नोड स्टार, ओके ओके मुझे यहाँ पे रिटर्न करना था, सॉरी रिटर्न वन ई नाइन, नाउ इट इज़ फाइन। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। सो इट इज़ वर्किंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, एंड दिस इज़ द कोड फॉर योर रिव्यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।